Hello people, welcome back to my new video. I am so excited for my today's video. Why? Because our topic is मैं आपको discuss करने वाली हूँ, बहुत ही favorite topic है मेरा and I will try कि मैं इसमें carried away ना हो जाऊँ because this is one of the topic जिसमें मैं बहुत बोल सकती हूँ. So I will definitely try कि मैं अपनी video को short करूँ, but yes, मैं उसमें आपको सारी information दूँ जो कि important है. So basically हमारा आज का topic है about angels number. सो इस वीडियो से मैं बेसिकली एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक पर्टिकुलर एंजल नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी, व्हाट दैट एंजल नंबर मींस. सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंजल नंबर क्या होता है, क्यों हमें वो दिखाई देता है और जब हमें एंजल नंबर दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले बात करते हैं कि एंजल नंबर क्या होते हैं. आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई कॉन्ट टेल यू बिकॉज एंजल नंबर, एक पर्टिकुलर एंजल नंबर की वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है. वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन सा नंबर है वो और कैसे आया. सो सबसे पहले बात करते हैं एंजल नंबर क्या होते हैं. सो आपने आई एम श्योर बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपने जब भी आपने फोन पे देखा हो, क्लॉक में देखा हो, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस प्लेट पे देखा हो या फिर आपने रिसीट्स में देखा हो, कोई एक ना सीक्वेंस होता है रिपीटेड नंबर्स का, लाइक 10 10, 12 12, 33 22, 222, 555, 11 11, 19 19. दीज आर द यूनिक नंबर्स जिनको रिपीटेड नंबर्स बोलते हैं. दीज आर द एंजल्स नंबर. अब इनको एंजल्स नंबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं बेसिकली दीज आर द नंबर्स थ्रू विच आर एंजल्स कम्युनिकेट विद अस. एंजल्स जो होती है वो हमसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करती है बिकॉज उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दे आर ऑन हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और हमारी वाइब्रेशन से उनकी वाइब्रेशन मैच नहीं करती है. दैट इज वाई दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अस. उसमें से एक बहुत ही जो कॉमन वे है वो है थ्रू नंबर्स. एक और तरीका होता है, होते तो बहुत कुछ 7-8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो जनरली आप लोग देखते हैं वो है थ्रू नंबर्स या एक होता है थ्रू फेदर्स, व्हेन यू गेट कलरफुल फेदर्स. सो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो ये जब भी आप नंबर्स देखते हैं ये नंबर्स बेसिकली एंजल्स नंबर्स होते हैं. और आई एम श्योर आप लोग जब भी जो भी इसको नोटिस करते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि ये नंबर आपने ऐसा नहीं होता कि एक बार देखा तो बस खत्म हो गया. When you start noticing on these numbers, you would see that every time, you would see these numbers different जगह पे, चाहे वो इंस्टा के पोस्ट पे हो, लाइक्स में हो, व्यूज में हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा. एंड ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ बिकॉज मैंने ये एक्सपीरियंस किया है. लिटरली लास्ट ईयर तक सेप्टेम्बर तक मुझे बेसिकली नंबर नहीं दिखते थे, लेकिन सितंबर मिड से मेरी लाइफ में वो चेंज आया जब से मुझे ये एंजल्स नंबर दिखाई देने लगे. एंड टिल नाउ मुझे वो नंबर्स दिखाई देते हैं. एवरी डे आई कीप ऑन सीइंग 8 9 10 नंबर्स डेली. इट कुड बी 11 11, 10 10, 33 33, 22 22, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स. सो यस, ये एक तरीका होता है जिसमें एंजल्स आपको बोलते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. अब आता है कि हमें नंबर क्यों दिखते हैं, हमें क्यों देखते हैं ये नंबर. ऐसा नहीं होता कि नंबर्स आप पहले नहीं थे, आपने अभी नोटिस करना स्टार्ट किया है तो ही आए हैं, ऐसा नहीं होता. बेसिकली डिपेंड करता है कि कब से आप उसको नोटिस कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट ईयर अगस्त तक मैं बिलीव करती थी, मानती थी, लेकिन मुझे नहीं दिखते थे. सितंबर आते ही मुझे सडनली से नंबर दिखने लग गए. क्यों? क्योंकि एंजल्स वर ट्राइंग टू टेल मी दैट वी आर हेयर टू सपोर्ट यू, वी आर हेयर टू गाइड यू. बिकॉज एंजल्स आपसे जो कम्युनिकेट करते हैं, दे आर ट्राई टू गेट योर अटेंशन, दे वॉन्ट यू टू लिसन टू देम. वो उनका मैसेज होता है ये कहने का कि हेलो, वी आर हेयर विद यू, जस्ट रेज योर वाइब्रेशन. सो इट मीन्स दैट एंजल्स ब्लेसिंग आर ओवर यू, यू आर ब्लेस्ड, यू आर वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है. जैसे भगवान तो ऑब्वियसली हर एक बंदे को नहीं देख सकता, सो दैट्स व्हाई वी हैव एंजल्स हु गाइड अस, हु सपोर्ट अस,
हु आर हेयर विद अस, यू नो, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज का सोल्यूशन लेना है, यू हैव योर गार्जियन एंजल्स विद यू, यू कैन लिटरली आस्क देम, यू कैन लिटरली टेल देम योर क्वेरी एंड ट्रस्ट मी यू गेट योर आंसर. लेकिन वो तभी होता है जब आप उनके साथ कनेक्टेड होते हैं. सो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बेसिकली कि मेरी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और मेरे क्या क्या चेंजेस देखे. एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ एंड डेफिनेटली आई विल लाइक टू शेयर इट विद यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, आई विल टेल यू. बट आज हम बात करते हैं कि क्यों हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हम आप तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, we are working towards your goals, you know, your things are aligned for you. So that is a message of universe. So jab aapko ye sequence dikhna start ho jaye, tab aap samajh lijiye that you are not alone. Universe has listened your wish, or aapke saath hai, universe is with you. You are not alone. Okay, ab aapne number dekh liya, aapne usko notice kar liya. Ab jab aap ye number dekhte hain, what you need to do, what you should do when you see these numbers. आपने नंबर देखा, ठीक है, आपने कोई भी एक नंबर देखा, कोई भी एक सीक्वेंस देखा, लाइक 10 10, 2 2 2, 3 3, 5 5, तो क्योंकि हर एक नंबर का एक अलग एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, यू नो, जैसे 11 11 का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ऐसे ही 22 22 का एक स्पेसिफिक मीनिंग है. क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कार्ड प्रैक्टिशनर, तो न्यूमरोलॉजी में भी हर एक नंबर का एक एक डिफरेंट मीनिंग होता है, क्योंकि हर एक नंबर की वाइब्रेशन होती है, एवरी नंबर हैज इट्स ओन वाइब्रेशन. सो ऐसे ही 2 नंबर की एक अलग वाइब्रेशन होती है, 5 नंबर की एक अलग वाइब्रेशन होती है. एंड जब आपको एंजल्स ये नंबर दिखाते हैं, आप देखेंगे कि आप मतलब ऐसा नहीं होता कि आप सोचें कि चलो 4 16 16 पे मैं फोन पे देखूंगा या 10 10 पे मैं फोन पे देखूंगा, ऐसा नहीं होता. इट्स लाइक इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. आप देखेंगे कि आप कुछ भी कर रहे होंगे और सडनली से आपको लगेगा कि मुझे फोन में देखना है या मुझे क्लॉक में देखना है, या सडनली से आपके सामने ऐसा कोई रिसीट आ जाएगा या कोई बिल आ जाएगा. हम कितना सोचें कि मैं देखूंगा, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने फोन में देखती हूँ, 10 8 फॉर एग्जाम्पल हो रहा होता है, तो मैं कहती हूँ चलो मैं 10 10 देखूंगी. बट क्या हो जाता है कि कितनी बार आप काम में बिजी हो जाते हो, क्योंकि एंजल्स उस टाइम पे आपको नहीं दिखाना चाहते, तो आप वो नहीं देखते हो. लेकिन जब एंजल्स चाहते हैं कि आप उनको नोटिस करें, उनकी प्रेजेंस को, आप उनके मैसेज को समझें, तो आप देखेंगे कि आप, बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने जैसे फोन निकाला, उसको अनलॉक किया, टाइम देखा 10 10 11 11 12 12, एंड सबके साथ, नॉट सबके साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जिनको सडनली से वो दिख जाएगा. एंड बहुत बार आपको जब आप नंबर नोटिस करना स्टार्ट करते हैं, तब आप देखेंगे आपको व्हाट्सएप की चैट पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सब पे आपको दिखाई देगा, इवन लाइक्स में. येस्टरडे ओनली आई सॉ यूट्यूब पे 333 लाइक्स में. सो देन हाउ यू सी एंड यू फील सो पॉजिटिव दैट एंजल्स, गार्जियन, योर गार्जियन एंजल्स आर विद यू, देयर प्रेजेंस आर विद यू, यू आर नॉट अलोन. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको जब आप ये नंबर देखें, आपको क्या करना चाहिए. मैं क्या करती हूँ, जब आप ये नंबर देखते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव. क्योंकि मैं जब जैसे मुझे नंबर दिखते हैं, एक ऑटोमेटिकली मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है कि ओके, आई हैव गॉट दी एंजल्स प्रेजेंस विद मी, माय एंजल्स आर विद मी, दे आर गाइडिंग मी, दे आर वॉचिंग ओवर मी, सो आई नो दैट दे आर देयर टू हेल्प मी. तो मैं जब वो नंबर देखती हूँ, मैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली मेरे अंदर से वो नंबर देखते ही सबसे पहले निकलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी. सेकेंड, ये बेसिकली डिपेंड करता है, मेरा ऐसा नहीं होता कि मैं सोच के करती हूँ, कभी कभी होता है कि मैं ये बोलती हूँ कि थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, सपोर्टिंग मी. समटाइम इट हैपन्स कि कोई मैंने नंबर देखा ऐसा स्पेसिफिक, एंड सडनली से मेरी कोई मान लीजिए डिजायर है, मेरी कोई विश है जिसको मैं चाहती हूँ पूरी हो, तो जैसे मैं वो नंबर देखती हूँ, मैं थैंक यू बोलने के बाद आई से माई डिजायर, आई से माई विश, एज एन जैसे वो हो चुकी है. सो ये बेसिकली दिस इज हाउ आई डू. बाकी ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे भी कर सकते हैं. सबसे पहले आप पॉजिटिव होइए, क्योंकि जब ये नंबर आपको दिखते हैं, एंजल्स आपको कह रही है दैट वी आर देयर, डोंट वरी, बी पॉजिटिव, सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव.
सो यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी पॉजिटिव. ये नंबर दिखे हैं इसका मतलब ये नहीं है इमीडिएट शिफ्ट आ जाएगा आपकी लाइफ में. नो, टाइम ऑफकोर्स लगता है, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि ओके माई एंजल्स आर विद मी, आई एम नॉट अलोन, थिंग्स आर इम्प्रूविंग फॉर मी, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर मी. फिर चाहे वो किसी भी एरिया में हो, करियर में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, हेल्थ में, किसी भी चीज में हो, आपकी वो डिजायर या विश जो भी है आपकी जरूर पूरी होगी. सो आप इसको किसी भी कर सकते हैं जो भी आपके साथ रिलेट करता है. अगर आप मानते हैं आप देखेंगे आपके अंदर से ऑटोमेटिकली वो फील आएगा, यू नो. सो जस्ट बी, जस्ट लिसन टू योर थॉट, यू नो. ये देखिए कि आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं आपके. मान लीजिए आप सडनली आप अपने करियर के बारे में, यू नो, वर्ड हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर कि यार जॉब नहीं मिल रहा, कैसे होगा, क्या हो, एंड यू नो उसके बाद से आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, इट मीन दैट योर एंजल्स आर टेलिंग यू दैट थिंग्स आर गोइंग टू शिफ्ट. बी पॉजिटिव, वी आर वर्किंग फॉर यू. सो वो एक आपको मैसेज दे रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू. सो जस्ट स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, लिसन टू योर थॉट्स कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वॉच कि आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज दैट थिंग जो जिससे रिलेटेड एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं. ये आप जरूर कीजिए एंड आप देखेंगे कि दिस इज हाउ एंजल्स ट्राई टू कनेक्ट अस एंड यू आर वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है. आई एम वन ऑफ दोज पीपल, आई नो दैट, एंड आई एम श्योर लाइक मी देर आर मेनी पीपल जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने ये देखा है, जिनको नंबर्स दिखाई देते हैं. सो अब आप कैसे एंजल्स से कनेक्ट कर सकते हैं. ये तो हो गया कि आपने नंबर्स देखे, ठीक है, नंबर्स दिख गए, यू नो कि एंजल्स आर विद मी, दे आर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग मी, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, बट हाउ यू वुड गेट दोज मैसेज, वॉट दे आर ट्राइंग टू से टू यू, वो आप कैसे कर सकते हैं. दैट only can happen when you raise your vibration. जब आप अपनी vibrations को raise करेंगे, जब आप अपनी vibrations को you know इतना positive कर देंगे, इतना अपना raise कर देंगे ताकि आपको वो जो message देना चाहते हैं, वो जो signal देना चाहते हैं, वो आप समझ सकें, तब जाके आपको वो समझ में आएगा. और वो वैसे तो उसके कुछ तरीके होते हैं, लेकिन जो मेरे को कनेक्ट कर पाता है, जो मुझे लगता है सबसे बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, वो है थ्रू मेडिटेशन. बहुत सारी YouTube पे आपको मिल जाएंगी गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, एंजल्स मेडिटेशन होते हैं, इवन आपको चक्रा क्लेंजिंग मेडिटेशन भी होते हैं. सो ये सब तरीके होते हैं जिनसे आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हैं, आप अपने एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं. इवन आप अपने एंजल, जो आपके गार्जियन एंजल है, आपको वो भी पता चल सकता है कि कौन से आपके गार्जियन एंजल्स हैं. यू नो, यू कैन जस्ट डू द मेडिटेशन, कनेक्ट विद योर एंजल्स एंड आस्क देम, Who is my guardian angel? And trust me, you will get the answer. जिस दिन आपकी vibration raise हो गई, जिस दिन आपने angel से connect कर लिया, you would definitely get the answer during your meditation only. You will, you know, listen name. ऐसा नाम मैं भी जो आपने ना सुना हो, and जब आप Google करेंगे तब आप देखेंगे, okay, ये तो एक angel है. I have literally seen people, you know, sharing their success stories of these. That's why I'm saying I'm so confident and know. क्यों मैंने भी किया है ये, दैट्स वाई आई कैन से इट विथ 200% कॉन्फिडेंस कि ये होता है. आप इसको बिलीव कीजिए, एंजल्स आर देयर टू गाइड यू, टू प्रोटेक्ट यू. एक तो ये तरीका होता है कि एंजल्स आपको मैसेज देते हैं, ठीक है. अब जैसे मैंने हमारे टैरो में भी यू नो होता है कि आप जब अपनी टैरो रीडिंग कराते हैं तो उसमें भी यू नो एंजल्स कार्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं व्हाट यू नीड टू डू. सो थ्रू दोस कार्ड्स आल्सो एंजल्स आपको मैसेज देते हैं व्हाट यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम. जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैं अपनी रीडिंग करी थी अपनी क्लाइंट की, सो उनकी उसमें एक मैसेज आया कार्ड में एंजल्स का कि शी नीड्स टू रिलैक्स, यू नो, शी नीड्स टू काम डाउन, शी नीड्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम हर वर्क, शी नीड्स टू जस्ट रिजुविनेट हर सेल्फ एंड यू नो जस्ट टेक अ ब्रेक, हसल बसल से दूर रहना है. सो आई कन्वेड द सेम मैसेज टू हर एंड देन शी टोल्ड मी, यू नो वॉट, ड्यू टू दिस कोविड आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, अदरवाइज आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम पास्ट 41 years. कैन यू बी दैट 41 years से दैट लेडी वॉज वर्किंग कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी ब्रेक. सो शी वॉज एग्जॉस्टेड एंड वो अभी भी वर्क करती अगर ये कोविड नहीं होता. सो इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को एक ओवर एग्जॉस्ट कर लिया था. सो एंजल्स का मैसेज था उनके लिए कि उनको ब्रेक लेना है,
यू नो दैट हाउ एंजल्स टेल यू वट यू नीड टू डू. कई बार हमें नहीं पता चलता है, हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यू नो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार ये भी करना है वो भी करना है वो भी कर ले, बट समटाइम यू नो यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड वो अब तभी आपको पता चलता है कि वॉट एग्जैक्टली यू नीड एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब आप थोड़ा अपने ऊपर टाइम देते हैं, वेन यू नो गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअल वे. So that's how you get messages from your angels when you are spiritually connected, when you believe on those things. So I was so happy actually, you know, jab maine unko message diya and she was like, yeah, I also feel ki, you know, mujhe break lena chahiye and now this year I'm not going to, you know, focus on my work, I'll just focus on me because I'm totally exhausted, I really need to give time to myself. So that's how your angels give you messages. So tarot is again a very beautiful a tool wherein your angels, guardian angels tell you what you need to do, where you're going wrong. So ये सब तरीके होते हैं जिससे आपके angels आपसे बात करते हैं, आपको सिर्फ उनसे connect करना है. So इस video में मैंने आपको बताया about the angels numbers. Next video जो मैं आपको लेकर आऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी particular sequence के बारे में, उसकी क्या importance होती है. एंड यस, उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे इन नंबर्स से अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया. सो आई होप आपको इस वीडियो में एंजल्स नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन जो मिली आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ उससे रिलेट कर पा रहे हो, और आप मुझे मेरे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या आपकी लाइफ में भी आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो मुझे जरूर बताइए. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या क्वेरी है, या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक नंबर के बारे में यू नो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस नंबर के बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो बनाऊं. मैं 4-5 नंबर के बारे में बेसिकली बनाऊंगी जिनसे मैं बहुत रिलेट कर पाती हूं एंड जो मेरे लिए आई वुड से कि या मैं बहुत रिलेट कर पाती हूं नंबर से, उनके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊंगी. बाकी यस, आपको कोई भी क्वेरी है से रिलेटेड आप मुझे बताइए बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक. सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो. बाकी अगर कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो जो मैं इस पर नहीं कर पाई हूं तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको डेफिनेटली अपने नेक्स्ट वीडियो में इन्वॉल्व करूंगी. एंड आप मेरी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए. और आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा अकाउंट है जो मैं आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं. एंड सो इस एंजल्स मैजिक को अपनी लाइफ में लाने के लिए रेडी हो जाइए. और अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं सो यू आर दोस वन ऑफ द लकी पीपल, सो बी ग्रेटफुल. सो आज के लिए इतना ही, अब आप नेक्स्ट वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए अबाउट अ स्पेशल सीक्वेंस. ऑलराइट, टाटा, बाय बाय.